रहीम ये स्टूडेंट्स आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आई काम पार्ट टू आज हम इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज इसका दूसरा हिस्सा है चैप्टर वन का और चैप्टर वन यानी सिंगल एंट्री सिस्टम आज हम इसके दूसरे हिस्से पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जिनको तैयार करना जो है वो आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है और उनके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के वो डिस्कस किए थे इनमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम डिस्क्राइब द नेटवर्थ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग डिस्टिंगविश बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट explain the features of single entry system what are the disadvantages of single entry system what is statement of affairs write down any two advantages of single entry system or write down the various methods of ascertaining the net profit under single entry system ये वार्ड क्वेश्चन थे जिन पे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इनका उर्दू और इंग्लिश वर्जन देखा था अगर आप इसके मतलब जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए और अब हम मज़ीद क्वेश्चन जो हैं मज़ीद इम्पॉटेंट शार्ट क्वेश्चन आई काम पार्ट टू के सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर वन के वो मजीद डिस्कस करते हैं देखते हैं कि अब कौन से मज़ीद क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करना हमारे लिए ज़रूरी है तो इनमें जो है सबसे पहले जो आएगा नाइन नंबर डिफ़ाइन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिफ़ाइन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिफाइन फ्रेश कैपिटल राइट नेम्स ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स प्रीपेर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम डिफाइन ड्राइंग्स वाई सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस और वाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये वो फिफ्टीन क्वेश्चन हैं जो कि मेरे ख्याल में पेपर में आने के चांसिस बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप इनको तैयार कर लें तो ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं और आपके लिए बेहद फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं तो आज हम बाकी के ये जो हमारे पास सेवन क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबलिटीज़ पर मुश्तमिल होती है यानी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कारोबार के किसी भी सिंगल एंट्री सिस्टम के साल के शुरू के एसेट्स और साल के शुरू की लाइबिलिटीज को लिखा जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरह ये जो है ए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस इन सिंगल एंट्री सिस्टम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज पर मुश्तमिल होती है अब आपको दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज शामिल होती हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज शामिल होते हैं इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन डिफाइन फ्रेश कैपिटल पर्सनल कैश और एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड और ब्रॉट इन बाय प्रोपराइटर आर यूज विद इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर वो रकम या चीजें जो कारोबार का मालिक अपनी जतीि जेब से साल के दौरान कारोबार में लाता और इस्तेमाल करता है अब जानते हैं कि कारोबार में मालिक जो कुछ भी पैसा लगाता है चाहे वो नकद रकम की शक्ल में हो या चीजों की शक्ल में हो उसे हम कैपिटल कहते हैं लेकिन बाजात ऐसा होता है कि साल के दौरान में कारोबार को मजीद पैसे की जरूरत होती है और मालिक जो है वो अपनी जेब से मजीद चीजें या पैसा जो है वो कारोबार में लगाता है इसे फ्रेश कैपिटल कहते हैं इसके बाद क्वेश्चन आता है राइट नेम्स ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स prepared under single entry system under single entry system these three statements are prepared number 1 opening statement of the affairs number 2 ending statement of affairs number 3 statement of profit or loss इसके बाद फिर आएगा डिफाइन ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्या है द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स यानी वो रकम या चीज़ें जो कारोबार का मालिक साल के दौरान कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले लेता है वो ड्राइंग्स कहलाती हैं यानी वो रकम जो मालिक ने इस्तेमाल करनी है उसके पास उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसे कुछ रकम चाहिए कुछ पैसे चाहिए कुछ चीज़ें चाहिए वो कारोबार से ये रकम निकलवाता है इसे ड्राइंग्स कहते हैं साल के आखिर में ये ड्राइंग्स जो है ये उसके प्रॉफिट में से माइनस कर ली जाती हैं उसके टोटल कैपिटल में से लेस कर ली जाती हैं इसके बाद नंबर फोर्टीन पे क्वेश्चन आता है वाई सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस के बड़े पैमाने के कारोबार के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कामयाब क्यों नहीं है कार क्यों नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस बिकॉज क्योंकि नंबर वन अंडर दिस सिस्टम ओनली पार्शल एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड नंबर थ्री नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड और रियल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड ये ये चार वजूहत है जिनके बिना पे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है अगर इसको उर्दू में देखें तो सिंगल एंट्री सिस्टम बड़े कारोबारी इदारों के लिए मौजू नहीं है क्योंकि इस निजाम के तहत नामुकम्मल कारोबारी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है कारोबारी लेन देन के दोनों पहलू दर्ज नहीं किए जाते आमदनी और अहराजात का अकाउंट नहीं बनाया जाता और चौथे नंबर पे अशिया और जायदाद का हिसाब नहीं रखा जाता ये चार वजूहत हैं जिनकी बिना पर ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वेश सिंगल एंट्री सिस्टम इसको उर्दू में भी आपने यू ही लिखना अब ये पंद्रह क्वेश्चन थे जो आपके सामने डिस्कस किए गए और उम्मीद है कि इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे और आपने अगर इनको अच्छे तरीके से तैयार किया हो तो ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं